सो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ डेकोपाज। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वीजीपी। मैं यहाँ पर डेकोपाज के लिए एक प्लेट यूज़ कर रही हूँ। मेरे पास एक प्लास्टिक प्लेट था सो मैं वही यूज़ कर रही हूँ। एंड सेकेंड थिंग, हमें चाहिए होगा डेकोपाज टिश्यू। अगर आपके पास वो नहीं है तो आप प्रिंटआउट्स भी यूज़ कर सकते हैं। ये प्रिंटआउट्स आपको ऑनलाइन बहुत ही इजीली अवेलेबल है। हमें जितना यूज करना है उतना हम पहले कट करके ले लेंगे, उसके बाद हम प्लेट पे एक बेस कोट करेंगे व्हाइट एक्रेलिक कलर से। पेंट करने के बाद हम इसे थोड़ी देर के लिए सूखने को छोड़ेंगे। अभी ये सूख चुका है। अब हम इस पे अपना डेकोपाज टिश्यू प्लेस करके देखेंगे कि हमें उसे एग्जैक्टली कहाँ प्लेस करना है। इसमें दो लेयर होती है, हमें एक ही लेयर यूज़ करनी है। सो हमने प्लेस डिसाइड कर लिया है कि हमें प्लेट पे एग्जैक्टली इसे कहाँ लगाना है। नाउ हम इसे कट कर लेंगे जितना हिस्सा हमें चाहिए, बट उसके लिए हम सीजर या कटर यूज़ नहीं करेंगे। हम यहाँ पे पानी लगाएंगे विद दी हेल्प ऑफ पेंटिंग ब्रश, उसके बाद हम इसे स्लोली स्लोली डिटैच कर लेंगे। अगर हम यहाँ पे कटर या सीजर यूज़ करते हैं कट करने के लिए तो वो बहुत ही शार्प एजेस देगा जो हमें अपने प्लेट पे मर्ज करने में काफ़ी प्रॉब्लम करेगा। अब हम यहाँ पे 2:1 की रेशियो में फेविकॉल एंड वाटर लेंगे सो दैट कि फेविकॉल थोड़ा सा रनी हो जाए। सो हमारा होममेड मॉड पॉज रेडी हो चुका है। अब हम अपने सारे डेकोपाज टिश्यू को पेस्ट कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ आर होममेड मॉड पॉज ग्लू। टिश्यू को चिपकाते समय हमें काफ़ी पेशेंस के साथ इसे चिपकाना होगा, अदरवाइज इसमें रिंकल्स पड़ सकते हैं और एक बार ये चिपक गया तो काफ़ी मुश्किल है इसे उखाड़ना और इसे फिर से चिपकाना। विद द हेल्प ऑफ ड्राई ब्रश मैं यहाँ पे इसे चिपका रही हूँ। अब ये चिपक चुका है सो अब बचे हुए बैकग्राउंड को हम कलर कर लेंगे। यहाँ पे मैं एक्रेलिक कलर ही यूज कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने कुछ कोट्स के प्रिंटआउट्स निकाल लिए हैं जिन्हें मैं कट करूंगी अपने डिजाइन के अकॉर्डिंग एंड उसे पेस्ट करेंगे। मैंने यहाँ पे अपना बेसिक सा जो पेपर कटर होता है मैं वही यूज़ कर रही हूँ। कहीं कहीं पे मैंने सीजर भी यूज़ किया है। अब हम इसे अरेंज कर लेंगे कि हमें इसे कैसे लगाना है, उसके बाद विद द हेल्प ऑफ मॉड पॉज हम इसे चिपका लेंगे। अब मैं थोड़ा सा डिटेलिंग कर रही हूँ इसमें, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। अगर आपको अच्छा लगे तो आप कुछ भी इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं। मैं यहाँ पे फ्लावर्स को थोड़ा सा इन्हेंस कर रही हूँ, थोड़े से लीव्स पेंट कर रही हूँ।
थोड़े से डॉट्स बना रही हूँ सो दैट कि ये पूरा एक आर्ट लगे। हमारा डेकोपाज प्लेट बनके रेडी हो चुका है। अब एक फाइनल टचअप करना है, हमें करना है वार्निश। ये वार्निश मैं लोकल हार्डवेयर स्टोर से लेकर आई हूँ, सिर्फ 36 रुपीस का है। अगर आप चाहो तो आप मॉड पॉज भी यूज़ कर सकते हो, मेरे पास नहीं था इसलिए मैं ये वार्निश यूज़ कर रही हूँ। वार्निश किसी भी आर्टवर्क को एक फिनिश देता है, एक कोटिंग देता है जिससे कि हमारा आर्टवर्क ख़राब ना हो। सो आर डेकोपाज प्लेट इज़ रेडी। होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यस डू लेट मी नो इन अ कमेंट सेक्शन बिलो। एंड हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।